इंडियन नेवी का कहना है कि इंडिया के पास कम से कम 3 एयरक्राफ्ट कैरियर होने चाहिए, ताकि जब एक एयरक्राफ्ट कैरियर मेंटेनेंस के लिए लैंड पे डॉक हो तो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर सर्विस में हो। लेकिन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ श्री बिपिन रावत जी का मानना है कि एयरक्राफ्ट कैरियर से ज़्यादा इंडियन नेवी को सबमरीन और दूर दराज आइलैंड में एयरशिप बनाने की ज़रूरत है। लेकिन इंडियन नेवी फिर भी अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के डिज़ाइन के लिए गवर्नमेंट को अप्रोच कर रही है। इंडियन नेवी को अपने दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर INS विराट 2022 में मिल जाएगा। फिलहाल वो कोचिन शिपयार्ड में बिल्ड हो रही है। फिलहाल इंडियन नेवी एक एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य को सर्विस में यूज कर रही है। पाकिस्तानी आर्मी को अल खलीद 1 नाम के एक नए टैंक को हैंडओवर किया गया है। इस टैंक को पाकिस्तान, यूक्रेन और चाइना के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर में डिज़ाइन किया है। इस टैंक को पाकिस्तान में ही HIT नाम के एक स्टेट ओन्ड कंपनी में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। इससे पहले अल खलीद नाम के एक टैंक को पाकिस्तान चाइना के साथ जॉइंट वेंचर में बनाकर यूज़ करती आई है। इस टैंक अल खलीद 1 टैंक के कुछ 600 यूनिट्स को पाकिस्तानी आर्मी इंडक्ट कर सकती है। रशिया ने भारत को TOS-1A तोशिच का हाई पावर फ्लेम थ्रोवर को ऑफर किया है। इसमें BM-1 220mm 24 बैरल T-72 टैंक के चेसिस के आधार पर है। इसका रेंज है 2.7 किलोमीटर से लेकर 6 किलोमीटर तक हो सकता है और ये 24 बैरल को 6 to 12 seconds में फायर कर सकता है। रशिया का मानना है कि ये इंडिया को हाई अल्टीट्यूड वॉरफेयर में यूजफुल होगा।